77 लाख लोगों के 6000 करोड़ रुपए के बिजली के बिल हमने भरवाए हैं बहनों और भाइयों, जिनमें से हमारे इस क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में भी 65 करोड़ बात के आ गए इसी विधानसभा के गरीबों के भरवाए। और आशीष भी है सब नेता भैया देखना, और कोई रहेगा तो चुन चुन के जाओ, अभी नहीं भरवा पाएंगे दो महीने बाद तो भरवा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर कोई रहेगा तो अभी भरवाएंगे, हमारी सरकार कोई डिग्गी राजा की तरह फुकरे सरकार थोड़ी है, गरीबों में कोई कमी नहीं है, पैसे की व्यवस्था करेंगे, बिजली का बिल जीरो और आगे फिर बने नहीं है राय। इसलिए हमने सरल बिजली बिल योजना बनाई और तय कर दिया कि भैया 4 बल्ब जलाने, 2 पंखे चाहिए मम्मी पापा को, एक भांजे भांजियों कमरे को, टीवी चाहिए, एक कूलर चाहिए, और मोबाइल तो चाहिए चाहिए। हेलो हाय हाउ यू डू करना पड़ता है। इतनी 5 चीजों के लिए जितनी बिजली लगेगी केवल 200 रुपया महीना में दे दी जाएगी, 200 रुपया महीना। तो सोचा था कि होगा, लेकिन बहनों हीटर भी हम चला ना, हीटर पर रोटी बनाओगे तो मामा बिल भर भर के दिवाली हो जाएगा, क्योंकि बिजली वाले तो पूरा रहेंगे, बाकी मैं दूंगा जितना मीटर के हिसाब से आएगा। लेकिन किसी गरीब के घर अंधेरा ना हो, किसी गरीब के घर अंधेरा ना हो, इसका इंतजाम मैंने इस योजना से कर दिया। मेरी बहने बेटा बेटी को जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 4000 रुपया ताकि फल खाए सब्जी खाए दूध पिए, और फल सब्जी खाएगी दूध पिएगी तो खुद भी स्वस्थ रहेगी और भाईया भाजी भी जरा हटा कर खाए रुपया पत्र खाए तो खाए। और उसके बाद बेटा बेटी के जन्म के बाद 12000 रुपया और, ताकि गरीब के घर भी बधाई गाई जाए, लड्डू बंटवाए जाए और बहनों को भी आराम मिल जाए। ये योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संबल के अंदर इलाज फ्री में होगा बड़ी बीमारियों का। मोदी जी ने सुस्पा दी है जो आयुष्मान भारत योजना बनाई है उसके अंदर तुम्हारे लाखों में आ रहे हो
लाखों नहीं छोड़ा था, इसलिए कि मैं मुख्यमंत्री बनके जनता की सेवा करता हूँ। उनका एक ही नारा शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते नहीं नहीं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाओ, वो कहते नहीं नहीं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ गरीबों के मकान बनवाओ, वो कहते नहीं नहीं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ कन्याओं के विवाह करवाओ, वो कहते नहीं नहीं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवाओ, वो कहते नहीं नहीं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ किसान को ठीक दाम दिलवाओ, वो कहते नहीं नहीं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ बच्चों की फीस जमा करवाओ, वो कहते नहीं नहीं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ बिजली के बिल जमा करवाओ, वो कहते नहीं नहीं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ गरीबों का इलाज करवाओ, वो कहते नहीं नहीं शिवराज हटाओ। सपने में भी आधी रात को चमक चमक के जग जाते और कहते शिवराज हटाओ, शिवराज हटाओ, शिवराज हटाओ। और कोई काम है नहीं, मुझे उनकी चिंता नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, आज खातेगांव आया हूँ तो आपसे ये कहने आया हूँ, क्योंकि यहाँ आज मैंने मेरी आशीर्वाद यात्रा पूरी नहीं होती रह जाता तो इसे बीच में मैंने कार्यक्रम बना लिया। ये सब काम जो मैंने बताए इनको आगे बढ़ाना है, अंजाम तक पहुंचाना है, नया मध्य प्रदेश करना है, बीमारू से विकासशील बनाया, विकसित बनाया, अब समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है। किसान को पूरा लाभ मिले, ना गरीब परेशान ना हो, ना बेटा बेटी ढंग से पढ़ पाए, ना माताओं बहनों का सम्मान हो, ऐसे मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प मेरा। और संकल्प को पूरा करने के लिए एक बार फिर आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। खातेगांव के नौजवानों, शिवराज को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए, ताकि एक बार फिर मैं इन कामों को पूरा करके अपने जिंदगी बदल सकूं और मध्य प्रदेश को नंबर एक का राज्य बना सकूं। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, बहनों का भी मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, मुख्यमंत्री कौन को बनाएंगे। तो आगे आज मेरे साथ संकल्प लीजिए, शिवराज तुम नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे मिलकर, और तुम्हें जीता नहीं कर देंगे भारत को जिताने का संकल्प लेने के लिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, इधर भी और इधर भी बांधे दोनों मुट्ठी, मीडिया वाले उधर वहां यार मुझे क्या देख रहे हो, उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज आशीष से कई मांगे की, लेकिन आचार संहिता है तो कोई घोषणा करना संभव नहीं है। चुनाव के बाद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।